हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोकलाम और उत्तर पूर्व के बाद अब लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ करारा जवाब देने में नाकाम मोदी सरकार। भारत में 56 इंच के सीने वाली सरकार आ जाने के बावजूद चीनी सैनिकों की घुसपैठ रुक नहीं रही। विपक्ष में रहते हुए दुश्मन देशों को करारा जवाब देने की सलाह देने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में चीन अलग अलग क्षेत्रों से घुसपैठ कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार डोकलाम उत्तर पूर्व के बाद अब चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ शुरू कर दी। जुलाई के पहले सप्ताह में चीनी सैनिकों की घुसपैठ लद्दाख के डेमचोक इलाके में हुई। उन्होंने यहां भारतीय क्षेत्र के लगभग 300 मीटर भीतर आकर अपने 4 तंबू गाड़ दिए। सूत्र बताते हैं कि चीनी सैनिक घुमंतू जनजाति के लोगों के वेशभूषा में आए, लेकिन जल्द ही इनकी पहचान उजागर हो गई। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने चीनी सेना के अपने समकक्ष अफसरों के सामने ये मसला उठाया। भारत की आपत्ति के बाद इन तंबुओं को हटाया गया। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें उत्तर और पूर्वोत्तर के कई इलाके ऐसे हैं जिस पर चीन अक्सर अपनी दावेदारी जताता है। इसी वजह से उसके सैनिकों की घुसपैठ की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इस सरकार के मजबूत सरकार होने के कई दावों के बावजूद वो बॉर्डर पर चीन की घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे, बल्कि ये बढ़ती ही जा रही है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2016 में चीन के सैनिकों की घुसपैठ की जहां 273 घटनाएं हुई थी, वहीं 2017 में ये बढ़कर 426 हो गई। बता दें कि पिछले साल ही भूटान के अधिकार क्षेत्र वाले डोकलाम पठार पर भी भारत और चीन के सैनिक 73 दिनों तक आमने सामने युद्ध के लिए तैयार स्थिति में डटे रहे थे। मुस्लिम युवक की जान बचाने वाले एसआई गगनदीप को मिला बहादुरी का इनाम। उत्तराखंड पुलिस ने किया सम्मानित। बीते 22 मई को एक प्रेमी जोड़ा मंदिर में मिलने गया, जहां कुछ लोगों ने संस्कृति बचाने के नाम पर लड़के पर हमला कर दिया। तभी अचानक उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के की जान भीड़ से बचाई। अब गगनदीप को उनकी इस बहादुरी का इनाम मिल चुका। उन्हें सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से नवाजा गया है। दरअसल ये मामला नैनीताल जिला के गिरिजा गांव का है, जहां गिरिजा देवी के एक मंदिर में एक प्रेमी जोड़ा घर से छिपकर मिलने आया। उन्हें संस्कृति बचाने के नाम पर गंदी गालियां दी गई, लड़के को पीटा भी गया, लेकिन मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब भगवा भीड़ को पता चला कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू। लड़की को हिंदू धर्म पर कलंक घोषित कर दिया गया। इसी बीच उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर लोग नहीं माने। पुलिस के सामने ही लड़के को पीटना शुरू कर दिया गया। गगनदीप सिंह ने लड़के को कवर कर लिया, अपनी बाहों में लड़के को छिपाए मंदिर परिसर से वो बाहर निकलने लगे। भीड़ पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने लगी। मंदिर को गेट बंद कर दिया गया, लेकिन किसी तरह गगनदीप सिंह ने प्रेमी जोड़े को बचा लिया। पूरा मामला मोरल पुलिसिंग का था और इस बहादुर पुलिस वाले ने अपना काम बखूबी करते हुए इस गुंडागर्दी का विरोध किया। अब उत्तराखंड पुलिस ने उनके योगदान को पहचाना और सम्मानित किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की रही सर्वाधिक जीडीपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर जीडीपी को डबल डिजिट रफ्तार यानी 10% की वृद्धि से बढ़ाएंगे, लेकिन अब 2019 के चुनाव सर पर है, लेकिन वो अपना ये वादा भी निभाने में नाकामयाब रहे। लेकिन जीडीपी की नई सीरीज के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विकास दर को 2006-07 में ही स्तर पर पहुंचा दिया था। सरकारी पैनल की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार देश की जीडीपी दर का आंकड़ा 2006-07 में 10.08% रहा, जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि आंकड़ा है। बता दें कि ये आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है। गौरतलब है कि देश की आजादी के बाद से सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर 1988-89 में 10.2% रही। उस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग द्वारा गठित कमेटी ऑफ रियल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स ने पिछली श्रृंखला 2004-05 के आधार पर जीडीपी आंकड़ा तैयार किया। ये रिपोर्ट सांख्यिक और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी की गई। दरअसल हर 10 साल में जीडीपी मापने के लिए उसके आधार वर्ष को बदल दिया जाता है। आधार वर्ष यानी वो वर्ष जिसके आर्थिक आंकड़ों से तुलना कर जीडीपी को निकाला जाता है। रिपोर्ट में पुरानी श्रृंखला 2004-05 और नई श्रृंखला 2011-12 की कीमतों पर आधारित वृद्धि दर की तुलना की गई। पुरानी श्रृंखला 2004-05 के तहत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 2006-07 में 9.57% रही। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नई श्रृंखला 2011-12 के तहत ये वृद्धि दर संशोधित होकर 10.08% रहने की बात कही गई है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की बात करें तो 2014 से अब तक जीडीपी 9% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। 2015-16 में देश की विकास दर 8.1% पर गई थी, लेकिन उसके बाद नोटबंदी और जीएसटी से जूझती अर्थव्यवस्था की जीडीपी 2016-17 में 7.1% और 2017-18 में 6.5% रही। अगर यूपी और एनडीए के कार्यकाल की जीडीपी की औसत वृद्धि भी देखें तो उसमें भी मनमोहन सिंह आगे ही नजर आते हैं। यूपी की 10 साल के शासन की और जीडीपी औसत वृद्धि 8.1% रही, वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि 7.3% ही रही। सड़क से निकलकर शिक्षण संस्थान पहुंची मॉब लिंचिंग, टीचर पर वाइस चांसलर ने करवाया जानलेवा हमला। मॉब लिंचिंग अब सड़क और घर से निकलकर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई। ताजा मामला मोतिहारी जिले का है, जहां महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर संजय सिंह को 25 से 30 लोगों ने मिलकर पीटा और पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। इस हमले का आरोप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल पर लग रहा है। फिलहाल संजय कुमार का इलाज चल रहा है। दरअसल पीड़ित संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग पहले से ही उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद मीणा ने बताया, कल संजय कुमार के घर पर धावा बोलकर कुछ लोगों ने उन्हें मारा और घसीटते हुए ले गए। उनके घर के बाहर से वो लोग गाली गलौज करते हुए बोल रहे थे कि हम इसे जिंदा गाड़ देंगे। 20 से 25 लोगों के झुंड द्वारा उन्हें मरणासन्न की हालत तक खूब मारा पीटा गया। उनके शरीर पर अंडरवेयर बनियान भी सही हालत में नहीं बची। जब खूब पीट लिया तो उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद कुछ साथियों की मदद से बामुश्किल उन्हें गुंडा तत्वों की भीड़ से बचाया जा सका। आरोप है कि इस वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल ने यहाँ के कुछ गुंडे आपराधिक तत्वों द्वारा शिक्षक पर हमला करवाया है। ये गुंडा तत्व एक मौके की तलाश में थे कि कैसे वो लोगों को निशाना बनाए, और फेसबुक पर संजय कुमार द्वारा की गई टिप्पणी से उन्हें ये मौका मिल भी गया। यहाँ के डीन पवनेश कुमार ने भी संजय कुमार को धमकी दी थी, साथ ही अन्य शिक्षकों को भी धमकाया गया। पत्रकारों पर भी आरोप लग रहा है। हड़ताल पर बैठे शिक्षकों की माने तो वाइस चांसलर और उनके लोग आपराधिक छवि के पत्रकारों को पैसा खिलाकर अपने पक्ष में कर चुके हैं और लगातार शिक्षकों को धमकी दिलवाते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इस मामले की जाँच में लगी हुई है। राजीव मल्होत्रा ने की केरल के हिंदुओं की मदद की अपील। पत्रकार बोली, यहां धर्म ना तलाशे, नफरत कहीं और फैलाएं। केरल में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। जोरदार बारिश से अब तक 324 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 8000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। राहत कार्य के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। केरल के इस मुश्किल वक्त में दुनिया भर के लोग साथ खड़े हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई देशों में फंड रेज कर पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाले देशों की फहरिस्त में यूएई का नाम भी है, जिसने बिना किसी भेदभाव के केरल के लोगों की मदद करने का ऐलान किया। वहीं कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों का धर्म तलाशने में जुट गए और लोगों से सिर्फ हिंदुओं की मदद करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक राजीव मल्होत्रा ने ट्विटर के जरिए लोगों से केरल के हिंदुओं की मदद करने की अपील की। उन्होंने लिखा, केरल के हिंदुओं की मदद के लिए कृपया दान करें। ईसाई और मुसलमान दुनिया भर से पैसे इकट्ठा कर खासतौर पर अपने लोगों को और एजेंडा की मदद कर रहे हैं। उन्होंने केरल के हिंदुओं की मदद के लिए सेवा इंटरनेशनल नाम की संस्था का लिंक भी शेयर किया, जिस पर दान की राशि जमा की जा सकती है। राजीव मल्होत्रा द्वारा धार्मिक आधार पर की गई इस अपील का पत्रकार फे डिसूजा ने करारा जवाब दिया। उन्होंने आपसी भाईचारे का प्रतीक माने जाने वाले केरल के एक पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी नफरत कहीं और फैलाएं। पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा, केरल का सबसे बड़ा पर्व ओणम है, जिसे हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब साथ मिलकर मनाते हैं। वो इस पर्व को इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो केरल के रहने वाले हैं। जो इनमें समान है वो भिन्नता बड़ी है, इसलिए कृपया अपनी नफरत कहीं और जाकर फैलाएं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज़। नमस्कार।